आगे चोर और पीछे पुलिस। यकीनन आपने फिल्मों में तो ऐसी तस्वीरें कई बार देखी होगी, लेकिन ये वीडियो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकत है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी की एक दुकान में दो चोर पिस्तौल लेकर घुस गए और वहां से $10,000 की ज्वेलरी चुरा ली, मगर ऐन वक्त पर दुकान के ही एक कर्मचारी ने पुलिस बुला ली। पकड़े जाने के डर से चोरों ने फिल्मी अंदाज में दुकान के ही एक कर्मचारी को बंधक बना लिया और पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। इसके बाद पुलिस और मीडिया की गाड़ियों ने उनका पीछा किया। इस काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। आखिरकार पुलिस ने दोनों लुटेरों को पकड़ लिया। पुलिस ने इन चोरों की मदद करने वाले एक तीसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज तक ब्यूरो। चीन के पूर्वी प्रांत में एक सिरफिरे ने बच्चों के स्कूल पर हमला कर दिया। ये वारदात टैक्सिंग सिटी में हुई। दरअसल हुआ यूं कि एक 47 साल का बेरोजगार जू युआन छुरा लेकर बच्चों की किंडरगार्टन क्लास में घुस गया और इससे पहले कि किसी की समझ में कुछ आता, उस शख्स ने एक के बाद एक 28 बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। स्कूल के दो टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो युआन ने उन्हें भी चाकू मार दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। जिसने भी इस वारदात को देखा हक्का बक्का रह गया। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हाल के हफ्तों में चीन में बच्चों के स्कूल पर हमले की इस तीसरी घटना से खौफ भी बढ़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।